नमस्कार मुंबईकर मेरे मित्रों दोस्तों साथियों, हमारी अपनी मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल में 15 अगस्त से हमें प्रवास की अनुमति मिली है। जिन मेरे मित्रों का वैक्सीनेशन फाइनल हो चुका है, जिन्होंने कोरोना सुरक्षा के लिए 2 डोज ले चुके हैं और उसके बाद उनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे सभी मेरे मित्रों को प्रवास की अनुमति मिली है। उसके लिए QR कोड या यूनिवर्सल आई कार्ड जो है आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। जिन मित्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कृपया आप उस मदद केंद्र जो स्टेशन पे लगे हुए हैं उस पे भीड़ भाड़ या गर्दी मत करिए। आपके मोबाइल में, आपके कार्यालय में, आपके घर में आप चलते फिरते जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और आसानी से ये QR कोड या यूनिवर्सल पास जो है, जिसके माध्यम से आपको मासिक पास मिलने वाला है सफ़र का, वो आप ले सकेंगे। सबसे पहला आपने अपने मोबाइल पे अपना फ़ोटो डाउनलोड करना है स्वतः का, और उसके बाद जो है जो लिंक आपको हम बता रहे हैं उस लिंक को सर्च करना है। वो लिंक पे जाने के बाद आपको OTP मांगेगा। आप OTP जो आपके मोबाइल पे आने के बाद आप उस OTP को उस पे आप सबमिट करिए, और वो करने के बाद तुरंत जो है आपका वैक्सीनेशन का डिटेल आ जाएगा, उसको आप क्लिक करिए और उसके बाद जो है आपको आपका फ़ोटो मांगेगा। वो आपने अपना फ़ोटो जो है वहाँ पर सबमिट करना है, उसके बाद तुरंत जो है ये आपकी प्रक्रिया पूरी होती है, आप उसको सबमिट कर दीजिए। 4 घंटे से लेकर 48 घंटे तक आपके मोबाइल पर आपका यूनिवर्सल पास, जिसको दिखाकर आपको मासिक पास रेलवे का मिलने वाला है, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसका आप लाभ लीजिए। अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सभी का साथ और सभी का सहयोग के साथ ही जो है हम मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल में सुखद सुरक्षित यात्रा हम सभी का हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। रेल यात्री परिषद, सुभाष हरिश्चंद्र गुप्ता, धन्यवाद।